shukur. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Rababaka Sheleman, the la 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 de Rosso, la de Rotador, Yala la de Rosso, Yimbala la la de Rosso, Rabala la la de Rochelen, and Talala la de Rosso, Ridala. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We honor you. We praise you. We worship you. We glorify you, Lord. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं. हालेलुया. ओ खुदावन तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है. हालेलुया. खुदावन तू आज इस मुबारक वक्त में हमारी मदद कर, हम अपना ध्यान तेरी तरफ लगाते हैं. ओ खुदावन तू अजीम है जो अपने लोगों से प्यार करता है. हालेलुया. खुदावन तेरा शुक्र हो, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओ खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले. हालेलुया. कुदूस बाप तेरा शुक्र हो. हालेलुया. हालेलुया. रा बाबा करो सिलेमान तोरो ईरा मदाला सिलेमान तोरो सॉरी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम तेरे नाम को मुबारक कहते और तेरी ताजीम करते, तेरी तमजीद और सिताइश करते हैं. हालेलुया. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. इन द नेम ऑफ जीसस. खुदा हम बड़ी आजजी करते हैं, एक दूसरे के लिए शुक्र करते हैं, तेरी प्रेजेंस के लिए शुक्र करते हैं, एक एक भाई बहन बेटे बेटी के लिए जिस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है. खुदा हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनके लिए, उनके घरानों के लिए शुक्र करते हैं, उनकी सलामती के लिए शुक्र करते हैं खुदा. और बड़े ईमान के साथ खुदावंद उनको तेरे मज़बा पर लाते हैं. खुदा हमें तेरे तेरे खून की ज़रूरत है, इसलिए अपनी खताओं को मानते और उन्हें तर्क करते हैं. बाप तू रहम कर, रहम कर, अपना फजल जारी कर, हमें तेरे फजल की ज़रूरत है बाप. ओ तेरा गहरा फजल आज चाहिए हमें. हालेलुया. तेरी कुदरत काम करे, तेरी अनॉइंटिंग आए, तेरा मसा आ जाए खुदा, तेरी बरकत आ जाए खुदा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Oh, Pakru, tera fazal chahta hun. Rul Kudsa aur jumbash kar. Rul Kudus, teri jumbash mangte hain aaj ke din ke liye. Aaj ki prastash ko, aaj ke kalam gawahi ko, ek ek cheez ko tere saamne pesh karte hain. Apne badno ko tere liye pesh karte hain. Baap, tere mazba par rakhte hain. Oh, thank you, Jesus. I am sa dua kare. Badi sanjeevgi se अपना बदन खुदावंद को पेश करते हैं. अगर आप प्रसिश करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, अगर आप इस इबादत को दर हकीकत उसी तरह उसकी बरकत को लेना चाहते हैं, तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करें जो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा है. और यही माकूल इबादत है. पौलुस कहते हैं यही तुम्हारी माकूल इबादत है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो. आइए हम अपनी अपनी तैयारी पर नहीं, अपने आप पर नहीं, हम खुदावंद पर निगाह करेंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रबबा करबा शिलेमान तलारा रसेलेमान दला हिलेमान तलारा रसेलेमान दलो रिडाबा रसेलेमान तरो. हालेलुया. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rama Bakara Bashile Manda La La La. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ek ek ko bless kar, ek ek ko barkat de khuda. Hallelujah. Hum apna dhyan teri taraf lagate, hum tujhe mubarak kehte hain. Aur aaj ke din ko khuda tere हाथों में सौंपते और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त का जो तूने हमें दिया खुदा. जब तूने ये हमें वक्त दिया है खुदा, अपनी हजूरी, अपनी प्रेजेंस, अपना दीदार भी दे, अपने जलाल को भी जाहिर कर. ओ खुदावन, जब तूने ये वक्त हमें दिया, ये जगह दी है, तो खुदा अपनी कुदरत को भी जारी कर, अपने मसा को, अपनी अनॉइंटिंग को जारी कर आज. हालेलुया. एक एक जिंदगी के लिए
तुझे इज्जत और जलाल मिले आज की इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं। ओ हम बड़ी सर्टेनिटी के साथ, बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ तेरे पास आए हैं। ओ हमें सर्टेन है कि तू यहाँ मौजूद है, तू हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि हम तेरे वादों को बिलीव करते और उनको क्लेम करते ये सुनाम में। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, तू बड़ी बरकत, एक एक को ब्लेस कर, एक एक बेटे बेटी को ब्लेस कर, मेरे घराने को, मेरे साथी को, मेरी क्लीसिया को, ओ जो दूर और नजदीक हमारे साथ हैं, अभी इस वक्त हैं, जो बाद में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, खुदा हम उनको उनके घरानों को ब्लेस करते हैं, उनके बीमारों के लिए चंगाई मांगते हैं, यीशु नाम की शिफा को रिलीज करते हैं, बड़ी बरकत दे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, thank you jesus oh rabba ko shantarasi thank you jesus thank you jesus ala rabba shili mantala rasiri mandala la la suri dile mantalo खुदावन तेरा मस्सा चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी पता चाहते हैं, यीशु नाम में तेरी कुदरत को मांगते हैं। यस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस वी क्लेम विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, फादर तुझे जलाल मिले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमेन, 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 प्रेज, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे कुछ देर के लिए और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हालेलुया, उसकी हमद करते हैं, ओ तेरा शुक्र करते हैं यीशु, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया,
Hallelujah.
खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, तेरे नाम की बुजुर्गी हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, खुदा तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस चाहिए खुदा, तेरे प्यार को मांग ले, दूसरे के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम मुकदसों के लिए जहाँ जहाँ से हमारे साथ हैं उनके लिए शुक्र गुजार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, glory to God, hallelujah, ramba karaba shaleman taloro rosoro balara selenam tala, thank you father, thank you jesus, hallelujah। oh jitne mujhe sun dekh rahe hain, aaiye hum kuch der ke liye dua kare, khuda unke ruh ko mauka dete hain, khuda unke flow ko claim karte hain aaj, hallelujah, ye bahut sundar waqt hai, hallelujah, abhi hum ga rahe the मुझे तुझसे बात करनी है और वो बात सुनने के लिए तैयार है, उसे बताएं आपने क्या बात करनी है। हाँ, ये आपने क्लेम किया है, जब आप किसी का दरवाज़ा नॉक करते हैं तो कोई दरवाज़ा खोलता है, फिर वो पूछता है क्या बात है, तो फिर आपको बात बतानी चाहिए। ये गीत अपनी ज़ात में नामुकम्मल है अगर आप खुदा से बात नहीं करते, अगर आप बार बार उसको कहते हैं मुझे आज तुझसे बात करनी है, मुझे तुझसे बात करनी है, और जब वो अपना कान आपकी तरफ करे तो आपके पास फिर गीत ही सुनाने के लिए हो कि मैंने तुझसे बात करनी है। दिस इज़ नॉट अ वे टू टॉक टू गॉड, यस दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बट इट इज़ अ प्रेपरेशन टू टॉक टू गॉड। अगर आप इसके बाद खुदा से बात नहीं करते, ये अपनी नेचर में इनकम्प्लीट हो जाता है। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Oh, rekabala raselemanto, lori dalemantro sol, hallelujah, Father. Oh, yaad rakhein jiske saath main aur aap hain aaj, जिसकी प्रेजेंस में आज मैं और आप हैं, उसके उसके पास हारना नहीं है, वो कभी डिफ़ीट नहीं हुआ, उसको कोई डिफ़ीट नहीं कर सका, उसको डिफ़ीट करने वाले खुद डिफ़ीट हो गए, मिट गए, और जिन्होंने उसे ख़त्म करना चाहा वो खुद ख़त्म हो गए, उनका नामो निशान तक ना रहा, वो अबलीस जिसने उसको मार डालना चाहा, उसने उसी मौत के वसीला से जिससे मौत पर कुदरत हासिल थी उसे तबाह कर दिया। ऐसा खुदा हमारे पास है, ऐसा खुदा हमारे अंदर रहता है। मेरे अजीजों, आइए हम सब मिलकर आगे चलें। पॉल कहते हैं ये तो नहीं कि मैं पा चुका हूँ, बस ये करता हूँ जितनी चीज बातें पीछे रह गई हैं, जितनी चीज़ें पीछे रह गई उन्हें छोड़कर निशान की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई निशान है, कोई है निशान जो आपने मुकरर किया है? आइए दुआ के अंदर एक निशान मुकरर करते हैं और उसी निशान की बात खुदा से करते हैं। खुदावन, मुझे उस निशान तक जाना है, मुझे उस पहाड़ तक जाना है जहाँ तेरी हजूरी और प्रेजेंस है, और मुझे उस मंजर को देखना है। और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ मोसेस, जब उसने कहा मैं देखूं ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। ओ गॉड, हालेलुया, रबरा सलेमान तरा ही रामा जोरो दोलोरो बामाद्री सलेमान तरा जोल दरामी। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए, तेरा शुक्र हो, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तर्स चाहता हूँ यीशु के नाम में। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओ थैंक यू फादर, ओ तुझे ग्लोरीफाई करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। Glory to God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Oh, Rabba Siri Nandalara Rasori Dala Mantra. Oh, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. मैं अपनी वाइफ से चाहूँगा कि वो आएँ और दुआ में लीड करें हमें कलाम के हिस्सा के लिए।
Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, Ramabakara Bashi Mantoro, Zilimantalori, Delimantoro, Sori, Delimantoro, Sori, Kalamantoro, hallelujah, thank you, Father, thank you, Jesus, hallelujah, Rambalala, कहते हैं मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं उसकी मोहब्बत, उसके प्यार के लिए। मेरे साथ किताब मुकद्दस खोलिए, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15। First Corinthians chapter 15, oh praise the Lord, oh for them, verse 3 se padunga। लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को यानी कि पतरस को और उसके बाद उन बारह को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए, फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझ को जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज़्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के फजल की बात करना चाहते हैं, जो मेरे दिल में खुदा ने बोझ रखा कि किस तरह खुदा का फजल हमको खुदामद में मजबूत करता और कायम करता है और इसके ज़रिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और हम इस फजल पर कितना भरोसा कर सकते हैं। अगर आप जहन में लाएं खुदा के फजल को और पॉल अपने खतूत के अंदर इब्तदाई वर्सेस के अंदर हमेशा इसका जिक्र करते हैं, खुदा का रहम, फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे, या खुदा का फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे, तो ये जो फजल है ये एक ऐसी बड़ी बरकत और दौलत है मेरे अजीजों, जिसके बगैर ये सफर जो खुदा के साथ चलने का है
ये पूरा नहीं हो सकता, ये मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं इस सफर को सिर्फ मुकम्मल करने के लिए नहीं आपको दिलेरी देना चाहता, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह फजल आपको इस लायक बना सकता है कि आप जीते, बल्कि आप इनाम हासिल करें। कई चीजें होती हैं जो सिर्फ कंपनसेट करती हैं चीजों को, सिर्फ एडजस्टमेंट बनाती हैं, सिर्फ गुजारा चलाती हैं, चलो काम चल गया। ना ना ना, मैं ऐसे फजल का मुनाद नहीं, मैं कभी भी नहीं, खुदा ने मुझे कभी इसे इजाजत ही नहीं दी कि मैं किसी ईमानदार को के लिए फजल मांगूं और उसको फजल के सुपुर्द करूं और साथ ही मैं ये कहूं कि चीजें बहुत मुश्किल हैं, ये नहीं होंगी, हालात बड़े खराब हैं, ठीक नहीं होंगे, ये बीमारी नहीं जाएगी, ये तंगी नहीं जाएगी, ये फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही रहेगी, ये शोर शराबा ऐसे ही रहेगा और फिर मैं खुदा की फजल की भी बात करूं। नो नो नो, ये दोनों बातें कॉन्ट्ररी हैं, ये नहीं, एक साथ नहीं चलती। खुदा के प्यार करने का तरीका जो है वो हमारी तरह का नहीं है। बेसिकली हम लिमिटाइज करते हैं चीजों को, एक लिमिट तक जाते हैं क्योंकि हम खुद ही लिमिटेड हैं, हमारी लिमिट्स हैं, हम खुद अनलिमिटेड नहीं हैं। मेरे साथ जरा गैलेशियंस में आइए, चैप्टर 3 में, गैलेशियंस चैप्टर 3 में, प्रेज़ द लॉर्ड, गिव मी अ मिनट प्लीज। लेट मी ट्राई फॉर अ मोमेंट। खुदा का शुक्र, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। दम तेरा शुक्र। फाइनली कर पा रहा। गिव मी अ मिनट प्लीज। दम तेरा शुक्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिम्प्रो शलम। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Khuda hum tere naam ko izzat aur jalal mile. Yes, shorts and glasses. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ephesians chapter 3. Sorry, took your time. Praise the Lord. खुदा तेरा शुक्र। इसकी 13th वर्स पढ़ूंगा, इफेशियन चैप्टर 3 वर्स 13। पास मैं दरखास्त करता हूं कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातर सहता हूं हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। हो प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में गुजारे लायक जोरावर हो जाओ। गुजारे लायक, बहुत ही जोरावर हो जाओ, बहुत ही जोरावर, बहुत ही जोरावर। तो फिर पहलवान होते हैं, वो तो रेसलर होते हैं। यस यस, उसी की बात। इतना कि नहीं कि बस गुजारा,
और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई, नीचे को भी, ऊपर को भी, राइट भी, लेफ्ट भी। और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, जो खुदा का प्यार है वो हमारे नॉलेज से ज्यादा है। जितना भी आप खुदा का इल्म रखते हैं, जितना भी खुदा का मैं इल्म रखता हूं, जितना भी कोई शख्स दुनिया का इल्म रखता है खुदा के बारे में, हम खुदा पर उतना भरोसा कर सकते हैं। आप किसी पर भी उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना आपको उसका इल्म है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मसीह की मोहब्बत जो है वो हमारे नॉलेज से ज्यादा है जो वो हमसे करता है। इसीलिए हम बहुत दफा डिप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए हम बहुत दफा हार जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे आगे नहीं हो सकता, इससे आगे नहीं होगा। नहीं, इससे भी आगे होगा, इससे भी आगे जाया जा सकता है। जितना भी आप मेजर कर सकते हैं, जितना भी आप नाप सकते हैं, कहां तक लंबाई जाना चाहते हैं, कहां तक चौड़ाई में जाना चाहते हैं, कितनी ऊंचाई तक उसे जानना चाहते हैं, कितनी गहराई तक जानना चाहते हैं, ही इज स्टिल देयर, ही इज स्टिल देयर, ही स्टिल रिमेन्स टू मेजर। आप और भी मेजर करना चाहते हैं, थोड़ा और आगे चले जाएं, आपका समय खत्म हो गया ना, आपके पास वक्त नहीं बचा, इसलिए आप आगे नहीं जा सके। लेकिन जब आप एंड करेंगे वो आपका नॉलेज होगा, क्योंकि आपने नाप लिया है। लेकिन याद रखें, मसीह की मोहब्बत मेरे और आपके नॉलेज से ज्यादा है। स्टिल इट इज देयर एंड इट इज फॉर मी एंड इट इज फॉर यू। इसलिए अगर हम ये कहें कि बस जी बस वक्त पूरा करो, राइट, लिखा है 19वीं आयत में, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक, रियली खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ, बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? ओ, हम तो बस दुआ करते हैं सुबह शाम और मेहनत करते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन काम पे चले जाते हैं। और व्हाट अबाउट जीसस? वो बहुत अच्छा है, उसने हमारे लिए कुफारा दिया, वो हमारे लिए मर गया, दफन हुआ, उसने मुझे निजात दी, हाँ उसने रास्तबाजी के कपड़े दिए। ओ रियली? और फिर? और बस? और अब मैं उसको कुछ करके दिखा रहा हूं, अब मैं उसको प्रशिक्षित करके दिखा रहा हूं, अब मैं उसको पास्टरशिप करके दिखा रहा हूं, अब मैं उसको चल के दिखा रहा हूं, अब मैं उसको गा के दिखा रहा हूं, अब मैं उसको हदिये दे के दिखा रहा हूं। और रियली दिस वॉज नॉट प्लान, खुदा ने तो एक मकसद के लिए मुझे और आपको चुना, वो ये मकसद नहीं था कि वो हमें कहे करके दिखाओ मुझे कुछ। उसकी मोहब्बत का तो मकसद कोई और था, कि आप बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाएं, नई इंसानियत में, बातनी इंसानियत में नए हो जाएं और उसकी सूरत में ढलते जाएं और उसकी मोहब्बत को जानें जो जानने से बाहर है और उसकी सारी, खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाएं। किनको कह रहे हैं? यीशु मसीह को ना। यीशु मसीह सारी मामूरी तक मामूर हो जाए, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। बड़ी डिबेट हम इस पे करते हैं,
लेकिन चलें वो तो फिर भी खुदा का बेटा है यीशु मसीह, अलुहियत की सारी ममूरी उसमें मुजस्म होकर सुकूनत करती है। बट वॉट दिस वर्ड स्पीक्स अबाउट, ये किसको ममूर होने की बात कह रही है? मुझे तो लगता है तुम लिखा हुआ वर्ड इफ्सो की कलीसिया को कहा जा रहा है, तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाओ तुम। दिस इज कॉल्ड ग्रेस, द कंप्लीटनेस ऑफ गॉड अवेलेबल टू डू एनीथिंग, कंप्लीटनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ गॉड इज अ ग्रेस। ग्रेस इज नॉट सर्वाइवल। अगर हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, ओ यस हम रूहानी लगते हैं, मेक नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, और रियली बहुत मुश्किल है मैनेज करना, ये बड़ी तंग रहा है। यीशु मसीह ने कहा था, यस ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने कहा था, उसने कब कहा था कि जो थोड़े जाने वाले वो नहीं जा पाएंगे? नहीं, उसने तो जमीन पर आने का मकसद ही ये था कि अबलीस को शर्मिंदा करे, कि जिसके जरिए तूने गिराया था अब उसी के जरिए तू गिराया जा रहा है। उसने सिर्फ अबलीस को अपने पांव तले नहीं कुचला, उसने हमारे पांव भी उसकी गर्दन के ऊपर रखे हैं। अब हम अपने पांव कभी तैयार ही ना करें उस पर रखने के लिए, मरे हुए सांप पर। तो यह तो मुकद्दसों का अपना मसला है ना, वो खुदा को तो नहीं ब्लेम कर सकते। मैं अक्सर ये कहता हूं, कई लोग गवाही देते हैं, एक वक्त था हम बड़े रूहानी थे, एक वक्त था हम रोजे रखते थे, एक वक्त था हम बड़ी दुआ करते थे। तो मैं कहता हूं ये कौन सी गवाही है, इसको तो तौबा की जरूरत है। ऐसी हालत को तो आप तौबा की के खाते में डालें कि तौबा करें और उठें। मेरे कहने का मकसद क्या है, खुदा तो हर रोज हमें आगे से आगे लिए जा रहा है। ओह प्रेज द लॉर्ड, खुदा को करना आता है, खुदा को करना आता है। आज आप सिर्फ उसकी मोहब्बत को जेहन में रखें और खुदा को जेहन में रखें, अपने आप को ना जेहन में रखें। दिल तो करता अपने आप को जेहन में रखें, क्योंकि जाहिर है हम तो, मैं एक अपने दोस्त के बारे में बहुत साल पहले कहा करता था कि वो जो भी वाकया सुनाते हैं उसके हीरो वो खुदा आप होते हैं। उन्हें वही बात बतानी है जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पर गौर करना है कि मैंने वहां पर फिर ये किया, एक जगह चले गए और वहां ये हुआ वो हुआ वो हुआ और फिर मैंने वहां ये किया। यानी कि घूम फिर के उस स्टोरी का हीरो वो खुद ही है, जो बहुत साल पहले मेरे जानने वाले थे। तो ये कोई एक इंसान का मसला नहीं है, ये लगभग बहुत सारे लोगों का मसला है, और ये बाय द वे ईमानदारों का भी मसला है कि हम चाहते हैं कि रूहानी जिंदगी का फोकस भी हम निकलें। और रियली आप थे वो आप थे, अरे हम नहीं जानते थे कि वो कौन था, इतना बड़ा काम वो आपने किया था, और रियली वो जूम मीटिंग आप कर रहे थे, अभी तो पता ही नहीं चला। अरे जो कुछ किया खुदा के फजल से किया, प्रॉब्लम ये नहीं कि किया, प्रॉब्लम यह है कि उस फजल को कितनी इज्जत मिली। अगर वो फजल सिर्फ गुजारा करता रहा तो इसका मतलब है खुदा को जलाल नहीं मिला और उसका कसूर मुझ पर है। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा के फजल को पूरा काम नहीं करने दिया। खुदा ने अपना ऐसा फजल दिया था कि मैं फादे की तरह जी सकता था, मैं जलाली बदन में जी सकता था, मैं खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो सकता था, लेकिन मैंने खुद खुदा को लिमिटाइज किए रखा अपनी प्लानिंग से। ओह नो, चलें खुदा के साथ दौड़े चलें। कहां जाएंगे आप? जितनी स्पीड से चलेंगे खुदा वहां मौजूद है, खुदा किसी का तरफदार नहीं। और पॉल पे पता क्या कहते हैं, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। अगर फजल आपको बरकत के लिए ज्यादा पर मजबूर नहीं करता, फजल नहीं है, क्योंकि जब आप ज्यादा करेंगे तभी तो पता चलेगा किसी और ने किया है। जब आप ही एक इंसान जितना काम करेंगे, मैं एक आम इंडिविजुअल जितना काम करूंगा, एक पास्टर जितना काम करूंगा, कौन खुदा के फजल के बारे में सोचेगा?
खुदा के फजल के बारे में सोचा ही तब जाएगा जब मैं उसको लिमिट से बाहर लेके चला जाऊंगा और फिर मुझे बताना पड़ेगा ये मैं नहीं था, ये मैं नहीं था, वो था। क्या हमें खुदा के जलाल की कोई परवाह नहीं है? क्या हमें कोई फिक्र नहीं है? मैं आपको दलेर करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपके पास रूल कुद्स है, ये जो आपके पास निजात है, और हमको फजल ही से निजात मिली है। ये फजल का सफर बड़ा प्यारा है प्यारो, ना घबराओ। आप सिर्फ अपने अंदर उसकी भूख और प्यास रखें और उसको काम करने दें अपनी जिंदगी में। वो आपको रीशेप करना चाहता है, वो आपको रीबिल्ड करना चाहता है, वो आपको एक नई जिंदगी बख्शना चाहता है, क्योंकि उसने कहा मैं सब कुछ नया बना देता हूं। उसको कुछ नया बनाने दे अपनी जिंदगी में, और वो नयापन बहुत प्यारा होगा, और खुदावंद को नएपन से बड़ा प्यार है। हमारा खुदा बड़ा मॉडर्न है, उसको नई नई चीजें देखने का बड़ा शौक है, उसको नए पत्ते बड़े पसंद हैं, नई शाखें, नए फूल, नए फल बड़े पसंद हैं, क्योंकि इसीलिए तो वो लगाता है। अगर उसको ग्रोथ पसंद ना हो तो क्यों ग्रो करे, क्यों ग्रोथ दे, क्यों क्यों वो कहता बड़ो फलो जमीन को मामूरो महकूम करो। उसको शौक है मामूरी का, इसीलिए उसकी कुदरत हर जगह मौजूद है, उसका इरफान मामूर करता है, जमीन उसके इरफान से मामूर है। कहां आपने खुदा के साथ किल्लत देखी है? कहां खुदा के कागजों में किल्लत पड़ी है? वो तो बरकत को नाजिल करता है कसरत के साथ, ऑलवेज ऑलवेज, चाहे वो बारिश बरसाए बरकत की, चाहे वो मन बरसाए, चाहे वो शिफा भेजे, चाहे वो कलाम भेजे, जो कुछ भी उसकी तरफ से मिलेगा वो कसरत की बरकत होगी। हां हो सकता है कभी आदमी थक जाए, एक काहिन की नबी की बीवी आई अलीशा नबी के पास, कहने लगी तू जानता ही है मेरा शौहर खुदा का बंदा मर गया है और कर्ज खा आया है, ये मैं पुराने हद की आपको बता रहा हूं बात, कर्ज खा आया है ताकि मेरे दोनों बेटों को ले जाए और उस कर्ज को पूरा करे। अच्छा, उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास तो एक प्याला तेल है, लेट मी सी इट, अगर मुझे मिल गया तो ठीक है वरना माफ कीजिए। खुदा तेरा शुक्र, हो खुदा तेरा शुक्र, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड किंग्स चैप्टर 4, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हो खुदा तेरा शुक्र। सेकंड किंग्स चैप्टर 4, और अंबिया जादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था, सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उसे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरीत ले, यानी कि उधारे ले, वो बर्तन खाली हों, नंबर वन, और थोड़े बर्तन ना लेना, थोड़े बर्तन ना लेना जी। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास गई, पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया
और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा ही नहीं। तब क्या हुआ? तेल मौकूफ हो गया। क्यों तेल मौकूफ हुआ? और बर्तन नहीं बचे, और बर्तन नहीं बचे। और यह मौजज़ा किसने किसकी कुदरत से हुआ? खुदा की कुदरत से हुआ। नबी ने कहा, लेकिन नबी को पता है खुदा काम कैसे करता है, नबी को पता है। उसने कहा, बर्तन कम ना लेना। और फिर वो आई, उसने बताया, अब क्या करूं? तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया, उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उसे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। लेकिन एक बात मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। जब कभी भी आप खुदा के हजूर जाएं, ऑलवेज बी वेरी मच क्लियर कि आपके पास क्या है। अपनी पोजेशन को कैलकुलेटेड रखें कि आपके पास क्या है। और ये बात बहुत अहम है, क्योंकि हमारा खुदा, हाँ कुछ अचानक गलत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर झूठ ना बोलें खुदा के हजूर। ये इस औरत का टेस्ट था कि नबी ने पूछा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास एक प्याला तेल के सिवा और कुछ नहीं। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो कैलकुलेटेड लाइफ जीते हैं, जिनको थोड़े का भी इल्म है कि कितना थोड़ा है, जिनको ज्यादा का भी पता है कितना ज्यादा है। कई दफा जब हम खुदा का शुक्र करते हैं तो हम बहुत कुछ के लिए शुक्र करते हैं, लेकिन उस बहुत कुछ का हमें नाम ही नहीं पता होता वो क्या है। हमें पता ही नहीं होता वो बरकतें क्या हैं। जिसने दी हैं उसको पता है कितनी दी हैं, लेकिन जिसने लिए हैं उसको नाम नहीं आते, उसको पता नहीं क्या क्या है। ऑलवेज लर्न, ऑलवेज लर्न, क्योंकि अगर आपको थोड़े का नाम आता है खुदा उसको ब्लेस करेगा, और अगर आपको बहुत का नाम आता है खुदा उसको और ब्लेस करेगा। खुदा मेजरमेंट रखता है, वो देता तो कसरत से है, लेकिन ये जरूर चाहता है लोगों के पास उसका रिकॉर्ड हो। इसीलिए खुदा ने हमेशा चाहा कि हमारी जुबान गलत बयान ना करे। नहीं है तो कहे मुझे पता ही नहीं। इसको अगर नहीं पता था तो इसका दूसरा जवाब क्या होना चाहिए था? मुझे मालूम नहीं है, मैं घर जाके चेक करती हूं। हां वो ठीक है, आई एम टीचिंग टू यू, आई एम पास्टर, आई एम हेल्पिंग यू, कि खुदा कितना इस बात का ख्याल रखता है कि हमारी जुबान ठीक हो, हमारी जुबान दुरुस्त हो। खुदा इसको ब्लेस करता है, और अगर आप इसको खुदा की हजूरी में सेटल नहीं करेंगे, हम आप इसको बाहर भी नहीं सेटल कर सकते। आप बाहर भी स्लैंगी लैंग्वेज यूज करेंगे, हमारे पास क्या है, हमें खुदा ने दिया ही क्या है, है ही क्या हमारे पास? क्यों? क्योंकि आप खुदा की हजूरी में भी ऐसे ही कहते हैं, इसलिए लोगों को भी वही बता रहे हैं। और जब आप थोड़े को खुदा के पास लाएंगे खुदा उसको ब्लेस करेगा। खुदा ने शागिर्दों को भी पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, मालिक 5 रोटियां और 2 मछलियां। खुदा ने कहा, यही ले लो, लोगों को बिठाओ। ही आस्क्ड देम, तुम्हारे पास क्या है? ही आस्क्ड देम, कुछ है तुम्हारे पास? उसकी उसको प्यार करो, उसको रिस्पेक्ट करो, उससे ब्लेसिंग स्टार्ट होगी। अगर आप उस थोड़े को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप बड़े की उम्मीद नहीं रख सकते। थोड़े को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं मेरे अजीजों, जब हम खुदा के फजल की बात करते हैं तो खुदा का फजल हमें कसरत की तरफ लेके चला जाता है, और हम एक ऐसी फतह की तरफ बढ़ जाते हैं कि हम बहुत कुछ खुदावंद में कर सकते हैं। बल्कि पॉल फिलिपियंस को कहते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और अगर आप सब कुछ नहीं कर पा रहे, खुदा की ताकत नहीं है। और क्यों ताकत नहीं है? हमने खुदा की ताकत को इनवाइट नहीं किया। कितने लोग हैं जो जिंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं, और उनकी स्ट्रगल सच्ची है, उनका एम भी सच्चा है,
उनकी स्पिरिट भी बहुत अच्छी है, वो मेहनत भी सही करते हैं, लेकिन वो खुदा के फजल को मौका नहीं देते, खुदा के फजल को जगह नहीं देते। खुदा को हमेशा हमेशा यील्ड करना पड़ता है। आप खुदा को यील्ड करेंगे, खुदा काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी कुदरत हर कमजोरी में पूरी होती है। ये वाला जो फजल है जिसकी आज मैं आपको गवाही दे रहा हूं, ये जो चाहे आपके लिए बन जाएगा, जो आपकी जरूरत है ये वहां खड़ा हो जाएगा। लेकिन शौक आपके पास कसरत का होना चाहिए। अगर आप कहेंगे खुदा मुझे फजल दे कि मैं सिर्फ मेक कर सकूं, नहीं, ये नहीं होने वाला, ये खुदा के प्लान में नहीं है। कब खुदा ने किसी को हीलिंग देकर कहा कि थोड़ी सी हीलिंग काफी है, बाकी चलो फिर देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, जब उसने किसी को हील किया, उसने परफेक्ट हील किया। उसने एक शख्स की आंखें खोली, उसने कहा तुझे क्या दिखाई देता है? उसने कहा मुझे आदमी दरख्तों की तरह लगते हैं। दोबारा यीशु मसीह ने अपने हाथ उस पर रखे और उसने कहा मुझे साफ साफ दिखता है। क्यों? क्योंकि वो जिस काम को भी करता है उसको मुकम्मल और पूरा करता है। अगर हम किसी काम को मुकम्मल और पूरा करने का शौक नहीं रखते, खुदा का फजल वर्क नहीं करता। अगर आप दुनिया में एक बेहतरीन ईमानदार बनने का जज्बा ही नहीं रखते, खुदा का फजल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा का फजल उसी वक्त काम करता है जब उसको जलाल मिलना हो। जब खुदा को जलाल नहीं मिलता, खुदा अपना फजल नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि कमजोरियां इंसानों में है, खुदा में नहीं। कई दफा हम खुदा के फजल को अपनी कमजोरियां ढांपने के लिए यूज करना चाहते हैं। ईमानदारों, मैं आपको खुदा का खादिम होता हुआ कहता हूं, अपने विजन को ब्रॉड करें। आप इस समय खुदा का काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं दुनिया के अंदर। ईमानदार, खुदा उनको यूज कर रहा है, खुदा उनको इस्तेमाल करना चाहता है। और हम सोचते हैं कि शायद खुदा उन्हीं टूल्स को यूज करेगा, यानी कि अगर आज तक मैंने नबूवत नहीं की तो अब आगे भी मैंने नबूवत नहीं करनी। अगर आज तक मैंने गैर जुबानों का तर्जमा नहीं किया तो मैंने आगे भी नहीं करना। अगर आज तक बीमारों ने मेरे हाथ रखने से शिफा नहीं पाई तो आगे भी नहीं पानी। नो, इट इज नॉट प्लान ऑफ गॉड। हर एक नेमत और बरकत जो इस किताब के अंदर दर्ज है वो मेरे और आपके लिए है। सिर्फ हमें खुदा के प्लान को समझना है और उसके उस फजल को काम करने देना है जो हमको ज्यादा पर लेके जाता है। थोड़ा सा आगे पढ़ता हूं, आइए मेरे साथ खोलिए किताब मुकद्दस को। हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गिव मी अ मोमेंट, लॉस्ट माय। हो, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 11 खोलिए जरा। हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रबबा करिशला, खुदा तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 23 में, 22 से पढ़ लेता हूं। पॉल अपने बारे में कहते हैं, क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूं। यानी कि यहूदियों के कह रहे हैं, क्या वही इसराइली है? मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम की नस्ल है? मैं भी हूं। क्या वही मसीह के खादम है? मेरा यह कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं। कहते हैं, क्या वही मसीह के खादम है? मेरा यह कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के फजल से हूं। जब खुदा का फजल किसी को खादम बनाता है तो वो ज्यादातर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। आर दे मिनिस्टर्स ऑफ क्राइस्ट? आई स्पीक एज अ फूल, आई एम मोर सूट्स गॉड। हालेलुया। फिर क्या कहते हैं? मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारह मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं बारह सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी में,
भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाकाकशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं ईमानदार बनने के बाद, तो फिर ये वाली सारी मुसीबतों के बाद पॉल ये कैसे लिखने के काबिल हो गए? इसलिए कि खुदा का फजल था। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हफ्ते के हफ्ते आद बाती है। ओ रियली? कब आद बाती? डेली, हर रोज। मैं कलीसियाओं को कब याद करता हूं? हर रोज। तो फिर ये सारी सिचुएशंस आपको शेक नहीं करती? पॉल, आप कैसे डेली कलीसियाओं के लिए दुआ करते हो? जिस दिन भूखे होते हो फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन तंगी में होते फर्क नहीं पड़ता? नो, क्योंकि खुदा का फजल मेरे ऊपर है। खुदा ने सब चीजों को मेरे लिए डिजाइन किया हुआ है। अभी आगे जाके पढ़ता हूं, अगला बाप आपको पता चलेगा क्यों ऐसा है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। कलीसियाएं तो छोड़े, ही वेंट टू द पर्संस। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। तो ये शख्स किसके लिए जी रहा है? कौन इसके अंदर जिंदा है? मसीह। प्रेज द लॉर्ड। बारहवीं, अगले चैप्टर में आइए जरा। सातवें पढ़ता हूं जल्दी से। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने तीन बार खुदावन से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत, खुदा कह रहा है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और अब इस फजल का अगला नाम क्या हो गया? क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है, पास मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। मसीह का फजल मसीह की कुदरत है। तो क्या जब मुझे कुदरत मिल जाएगी तो क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकूंगा? जब मैं अपनी ही कोशिश से ऐसा कर रहा हूं, मैंने देखा है लोग अपनी कोशिश से 3 दफा 4 दफा इबादत करते हैं, लोग अपनी कोशिश से 5 दफा इबादत करते हैं, लोग अपनी कोशिश से रात को उठ के इबादत करते हैं, लोग अपनी कोशिश से कोनियों के बल कहीं जाते हैं इबादत करने, अपनी कोशिश से। और अगर खुदा के फजल वाला आदमी कहे मुझसे तो 1 घंटा दुआ नहीं होती, खुदा का फजल है मुझ पे बहुत ज्यादा, मगर मुझसे जागा नहीं जाता, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता। और रियली, तो जो फजल के बगैर वाले वो कहते हैं हम 5 दफा करते हैं, तुम फजल वाले हो, तुमसे 1 बार भी नहीं हो रही। वाह, क्या तुम्हारे फजल का कमाल है भाई, क्या फजल की मशहूरी है तुम्हारे खुदा के फजल की। आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट? हम दुनिया के कौमों को कहते हैं आपका खुदा ही जिंदा नहीं है। जाएं उनकी जाके तपस्या देखें, उनकी रियाजतें देखें, उनकी कुर्बानियां। फजल के बगैर, फजल के बगैर। और हम फजल वाले, प्रेज द लॉर्ड, खुदा के फजल के लिए हो खुदा का शुक्र, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। क्यों जोरावर होता हूं? क्योंकि मसीह की कुदरत उस जगह को फिल कर देती है, उस स्पेस को फिल कर देती है। लेकिन वो स्पेस पैदा कौन करेगा? मैं और आप। जब हम स्पेस पैदा करेंगे,
हम खुदा की भूख और प्यास रखेंगे। क्या आप कभी आप सोच सकते हैं किसी भूखे और प्यासे को दुआ करते हुए? आप कभी किसी भूखे और प्यासे को दुआ करते देखें, आपको समझ आएगी। आप जाएं, यीशु मसीह ने कहा दो आदमी हैकल में दुआ करने गए, एक अपने बारे में दुआ कर रहा था, एक का फोकस वो खुद था, एक का फोकस खुदा था, लेकिन वो खुदा की तरफ आंख भी नहीं उठा सका और छाती पीट पीट कर तौबा करने लगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ लेने गया था, मुआफी, एक कुछ देने गया था, अपना अपनी हिस्ट्री। मैं हफ्ते में दो बार रोजा रखता हूं, मैं सारी आमदनी पे दायकी देता हूं, और इस जालिम आदमी की तरह नहीं हूं, क्योंकि इन सारी चीजों का खुदा को इल्म नहीं था, इसलिए खुदा के इल्म में इजाफा करना चाहिए था। और वो खुदा का इल्म, कईयों की दुआ आप सुने, वो खुदा के इल्म में इजाफा कर रहे होते हैं। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आप खुदा से जो आपका खुदा जो दिल चाहे करें, लेकिन व्हाट आर यू टॉकिंग ऑल अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग ऑल अबाउट? क्या आपके पास खुदा के फजल को मांगने की फुर्सत नहीं आ रही? क्या आप उसको रूम नहीं देना चाह रहे? अरे भाई, हमें तो एक इनाम के लिए जीतना है, हमें एक इनाम चाहिए। अगर मैं दौड़ के जीत ना सका, फजल अपना काम नहीं कर पाएगा। खुदा का मकसद मुझे दुनिया में हीरो बना के पेश नहीं करना। दुनिया के अंदर तो हो सकता है मुझे दुख उठाने पड़े, लेकिन एक अबदी बादशाही है जो उसके फजल की दौलत है। उसके फजल ने आसमान की बादशाही से काम शुरू किया था जो कभी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा, अगर खुदा का फजल मुझे दुनिया चलाने के लिए चाहिए, तो ये तो वो फजल की वो कमजोर डेफिनेशन है जो खुदा के नजदीक मुझे नहीं लगता कभी भी एक्सेप्टेबल है। मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं बोल सकता, क्योंकि ये खुदा का मामला है। इससे भी स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं खुदा का फजल मुझे निजात के अलावा, मुझे अपनी शबी में ढाले बगैर मेरी जिंदगी का काम चलाए, मेरे अजीजों, ये बहुत तकलीफ दे मामला। और ये स्टैनिक है, स्टैनिक डिमोनिक है, ये डीमंस हैं जो आदमी को कहती हैं तो आसमान की बासी में चाहे ना भी जा, तेरी दुनिया ठीक हो जानी चाहिए। ये कंप्लीट स्टैनिक, इट्स अ प्रीटी हार्ड वर्ड बट बेयर इट, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे नहीं पता हमारे पास कितना और वक्त बाकी है। इट्स अ वेरी, मेरे साथ इफ्सियों पहले बाब में आइए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी याद पढ़ूंगा जी, इफिशियन चैप्टर 1:3 में, वी आर गोइंग फास्ट। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम दो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। इस वर्ष को दोबारा पढ़ना चाहता हूं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। खुदा का प्लान देखें, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया, ताकि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिपालक बेटे हों। राइट, हमें बेटे बना लिया ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से, यानी कसूरों की मुआफी, उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। गुनाहों की मुआफी भी फजल की दौलत है जो उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ हम पर कैसे नाजिल किया, कसरत से नाजिल किया। वो फजल उसने हम पर कसरत से नाजिल किया कि ना सिर्फ कि हम आसमान की बादशाही को मेक कर पाए, हम दुनिया की भी सारी ब्लेसिंग्स को उसमें रिसीव कर पाए, और जो कुछ ना कर पाए उसके लिए हमें बेचैन ना होना पड़े। हम कहें कि हम मैं जिस भी हालत में हूं खुश हूं। और याद रखे, इत्मीनान एक बहुत बड़ी बरकत है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अगर हम खुदावंद के फजल के तहत आ जाते हैं और उसके फजल को कसरत का काम करने देते हैं और अपने लिमिट्स को खुदा के स्पुर्द करते हैं, खुदा तू मेरे अंदर अपनी कुदरत को भर, ताकि जो मेरे जिंदगी की कमियां हैं, ताकि जो मेरे मुश्किल वक्त हैं, वो खत्म हो जाए। और मैं आपको बताऊं, खुदा ने मुझे और आपको, हमारी एक शबी, एक तस्वीर हमारे लिए
अपने जहन में रखी है, हमें उस शिवी पर ढलना है, हमें उस तस्वीर पर ढलना है। फर्स्ट कॉरिंथियंस चैप्टर 15 के अंदर लिखा है, जैसे हम पहले आदम की सूरत पर हुए, ऐसे हम दूसरे की भी सूरत पर होंगे। दूसरा आदम इसीलिए हमें निजात देता है कि हम उसके इमेज में ढलें, हम उसकी सूरत में ढलें। और ये हम तो नहीं कर सकते, फिर कौन कर सकता है? खुदा का फजल कर सकता है, खुदा का फजल कर सकता है। खुदा के फजल में ताकत है इतनी। एक दरवाजा है जो फजल का खुला है, खुदा ने अपने आप को खुद हमारे लिए पेश किया एक इंसानी रूप में, जिस तरह मूसा के जरिए शरीयत उसने दी, इसी तरह उसने यीशु मसीह के वजीले फजल और सच्चाई हमको दी। फजल ही नहीं दिया, फजल पर फजल दिया। आपको फजल के ऊपर फिर फजल चाहिए? यस, हाजिर है। उसके ऊपर फिर फजल चाहिए? यस, हाजिर है। आप कितना फजल यूटिलाइज करना चाहते हैं? इट्स ऑल अप टू यू। इसीलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा के पास आते हैं, हमें खुदा के फजल के तख्त के पास जाना चाहिए। मैंने बहुत दफा लोगों की ग्रॉसरी लिस्ट चेक की है खुदा से मांगते हुए, मैंने बहुत लोगों की लिस्ट में फजल वर्ड नहीं पढ़ा। आई जस्ट लिसन व्हेन दे प्रे एंड हार्डली आई बिलीव के कोई शख्स कह रहा है खुदा मुझे फजल दे कि मैं इस मसले में से निकल जाऊं। हम मसलों को हल करने पर इतना टाइम लगा देते हैं, मेरी इस बीमारी को ठीक कर, मेरी इस तंगी को दूर कर, मेरी इस मुश्किल को हल कर, मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर। ये ऑल गुड प्रेयर हैं, लेकिन अगर ये सारी खुदा की मर्जी है तो फिर उसमें गो थ्रू करने के लिए एक और सुपरनेचुरल पावर मौजूद है, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा का फजल। और कहें खुदा, अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रहनी है फिर तेरा फजल मुझे चाहिए ताकि मैं तेरे लायक हो जाऊं, कहीं मैं ना हार जाऊं, क्योंकि मुझे अपनी दौड़ नहीं हारनी। क्योंकि पॉल कहते हैं कॉरिंथियंस के अंदर कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है, तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। मेरे साथ इस हवाले को देखते हैं, आइए फिर इसको एंड अप करता हूं। हो प्रेज द लॉर्ड, हो खुदा तेरा शुक्र। फर्स्ट कॉरिंथियंस चैप्टर 9, प्रेज द लॉर्ड जी, लिखा है जी, हो बहुत सारी आयतें पढ़नी पड़ेंगी, 16वीं आयत से पढ़ूंगा। अगर खुशखबरी सुनाऊं, गॉस्पल, गुड न्यूज ऑफ जीसस, तो मेरा कुछ फखर नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए जरूरी बात है, यह तो जरूरी है सुनाना, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। ये पॉल कह रहे हैं, क्योंकि उनके उनके सुपुर्द खुशखबरी हुई है और उसके बाद हमारे सुपुर्द हुई है। क्योंकि अगर अपनी मर्जी से यह करता हूं तो मेरे लिए अजर है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द हुई। बस मुझे क्या अजर मिलता है? यह कि जब अंजील की मुनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके मुआफिक पूरा अमल ना करूं। अगरचे मैं सब लोगों से ज्यादा आजाद हूं तो फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया, ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत बना ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। अगर जो खुद शरीयत के मातहत ना था, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को मसीह के पास खींच लाऊं। मसीह मैंने खुद ऐड किया है, मुझे माफ कीजिए। अगरचे खुदा के नजदीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था, कमजोरों के लिए कमजोर बना ताकि कमजोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूं ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं, और मैं सब कुछ अंजील की खातर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। इसका मतलब है, जब आपने अंजील की खुशखबरी सुनानी है तो फिर आपने कुछ बनना भी है। हकीकत में जब आप कुछ होंगे तो फिर कुछ बन पाएंगे, आप कुछ फर्क होंगे तो कुछ नया बन पाएंगे। अगर आप मसीह यीशु की शबी में ढलेंगे तो फिर पॉसिबल है बेशरा के लिए बेशरा बने और बेशरा ना भी हो।
अगर आप मसीह की शबी पर होंगे तो यहूदी के लिए यहूदी बनेंगे, गो के यहूदी नहीं है, क्योंकि आप पहले ही एक नई शबी में ढल चुके हैं। अपनी ही शबी से मुमकिन नहीं है ये। और आगे लिखा है, और मैं सब कुछ अंजील की खातर करता हूं, 24वीं आयत लिखा है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये आयत लिखी हुई है, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। खुदा के यहां 2, 4, 6 तो डिग्रियां ही नहीं है। आपने जब दौड़ना है जीत के लिए दौड़ना है। अब जीत के लिए जो कुछ भी दरकार है वो खुदा मुहैया करेगा। हमारी दुआ क्या है, खुदा मैं जीतना चाहता हूं, मैं जीतना चाहता हूं। आपने कभी किसी बाप को सुना है को अपने बच्चे को कहे, बेटे आप भी एथलेटिक्स में चले जाएं हारने के लिए? नो, वो हार जाता है एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि बाप उसको टेक्निक नहीं बता सकता, लेकिन खुदा जीतने की टेक्निक भी बताता है। जितने भी ईमानदार हारते हैं वो खुदा की वजह से नहीं हारते, वो अपनी वजह से हारते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की टेक्निक यूज नहीं की, उन्होंने खुदा का ऑप्शन यूज नहीं किया। जैसे कभी रेसलिंग में होता ना कि आप एक प्लेयर दूसरे को हाथ लगाता है फिर वो आ जाता है, अब तक मुझे नहीं पता लेकिन कभी ऐसे हो, मैं देखा करता शायद अभी भी ऐसे ही है जो रेसलिंग होती हैं, तो एक प्लेयर दूसरे को हाथ लगाता है और कई लोग यीशु को हाथ नहीं लगाना चाहते कि उनकी मदद को ना आए, वो खुद ही लड़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखें ये विक्ट्री कॉर्पोरेट विक्ट्री है, ये खुदावंत की विक्ट्री है, ये मेरे नाम की विक्ट्री नहीं है। मुझे खुदावंत को इन्वॉल्व करना चाहिए, खुदावंत तू आ और वो मुझे जिता देगा, वो मुझे जीत तक ले जाएगा, क्योंकि वो जब आएगा वो कभी नहीं हारेगा। मेरे अजीजों आप खुदा के फजल पर भरोसा करना सीखें, खुदा को प्यार करें, और कैसा प्यार करें, बियॉन्ड द लिमिट्स उसको काम करने दें, उसको कहें खुदा अगर तूने पौलुस पर फजल किया था तो उसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर तूने पहली कलीसिया पर फजल किया था और उन्होंने तेरी खुशखबरी सुनाई, उन्होंने तेरे अजायब देखे, मैं क्यों नहीं देख सकता? खुदा कहेगा क्यों नहीं देख सकते, हाजिर है। इसलिए मेरे अजीजों इब्रानियों का मुसन्नफ 2nd chapter में कहते हैं कि आओ हम खुदा के फजल के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। मेरे अजीजों फजल के बगैर जीना बहुत मुश्किल है, ये दौड़ वाकई बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप खुदा के फजल पर भरोसा करें तो फिर आप यीशु मसीह को तक सकते हैं, उसको देख सकते हैं और वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, वो आपकी जिंदगी को एक नई शेप दे देगा। वरना क्या होगा, हम खुदा के फजल को फ्रस्ट्रेट कर देंगे, हम खुदा के फजल को फ्रस्ट्रेट करेंगे, बेकार कर देंगे। आखिरी आयत पढ़ता हूं मेरे साथ, गैलेशियन 2 की लास्ट वर्स में आइए। हालेलुया, दूसरे चैप्टर में आइए, एंड अप हो खुदा तो शुक्र। 18वीं आयत पढ़ लेता हूं जी, अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ आएगी, लेकिन चलें ईमानदारों की मदद के लिए, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया, गैलेशियंस 2:18, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। ठीक है, ये आयत अपने जेहन में रखें अगली आयतें पढ़ने के लिए, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। अब मैं कैसे कसूरवार हो गया, अभी मेरा दिल कर रहा था दोबारा बना लिया। चुनाचे मैं शरीयत ही के वसीला से, शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। 20वीं आयत, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, और ओरिजिनल में यह है खुदा के बेटे के ईमान से गुजारता हूं जिसने मुझसे मोहब्बत रखी
और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, फ्रस्ट्रेट नहीं करता। कब खुदा का फजल बेकार हो जाता है? जब मैं हारने लगता हूं, जब मैं डाई हुई, अपने हाथ से डाई हुई चीजों को दोबारा बना रहा होता हूं, उन्हीं पत्थरों को जिनको बखेरा था वापस से खड़ा कर रहा हूं। ये तो गुनाह से मैंने तौबा की थी, अब वही कर रहा हूं। खुदा कहता क्या हुआ? खुदा मुझसे ये छूट नहीं रहा, खुदा मुझसे ये आदत चेंज नहीं हो रही। और रियली डिड यू ट्राई माई ग्रेस ऑल्सो? नहीं नहीं खुदा, फजल तो मैंने ट्राई नहीं किया। क्या तूने कभी मुझसे फजल मांगा था? नहीं। तो मैं तो अपने बदन से स्ट्रगल करता रहा, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, आखिरकार मैं हार ही गया। सारे ही कर रहे थे, मैंने भी करना शुरू कर दिया, चारों तरफ वाले थे। और खुदावन तुझे बताऊं, तुझे नहीं पता, कई तो मुझसे भी बुरे हैं। जो भी, लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदावन ने हमें अपनी सूरत के लिए बनाया है। और मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी और को ये कलाम सुना रहा हूं सिवाय अपने। मुझे खुदावन के इस फजल से बड़ा प्यार है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं जिस उम्र में से अब गुजर रहा हूं, इन महीनों और इन सालों में जो लेटेस्ट तरीन चीज खुदा ने मुझे अता की है, वो उसका फजल है। मैं इसका सिर्फ मुनाद नहीं हूं, मैं इसका यूजर हूं, मैं इसका रिसिपियंट हूं। मैं हर रोज फजल के तख्त के आगे पेश होता हूं और हर रोज उसका रहम मांगता हूं और कहता हूं खुदावंद मुझ पर अपना फजल कर। क्योंकि मैं, अगर पॉल ने यह ना लिखा होता कि मैं सबसे छोटा हूं, तो मैं समझता हूं मैं अपने आप को सबसे छोटा समझता हूं, मैं अपने आप को अनफिट समझता हूं खुदा के काम के लिए। लेकिन मैं जो कुछ भी कर पाया या कर रहा हूं या शायद आने वाले वक्त में करूंगा, सिर्फ खुदा के फजल से होगा। क्योंकि अगर आप मेरी दुआ सुने सुबह, तो आप यकीन करेंगे कि यह आदमी ठीक कह रहा है, कि ये इस कदर खुदा के फजल के लिए दुआ करता है, क्या ये इस कदर खुदा के फजल पर इंक्लाइन करता है। इसलिए करता हूं कि मैं हारा हुआ शख्स, मैंने जिस्म से ही शुरू किया था, जिस्म से ही खुदा को खुश करने का प्लान किया था, लेकिन एक वक्त आया जब मैं थकने लगा, मैं हारने लगा, मेरा जिस्म मुझे अलाउ नहीं करता था खुदा के साथ चलने के लिए। मेरी ख्वाहिशें जो अब भी उभरती हैं, ये नहीं कि मैं बेगुनाह हो गया हूं, लेकिन मुझे मालूम है खुदा का फजल मेरे लिए काफी है, खुदा का फजल मेरे लिए काफी है। इसलिए मैं जब तंगी और मुसीबत और बेइज्जती के अंदर से गुजरता हूं, तो मैं जल्दी से कहता हूं खुदावंद मैं इसमें खुश हूं, ताकि मैं तेरे फजल को बेकार ना करूं। जब मैं दुखी होकर दुख महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है मैं खुदा के फजल की इंसल्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं उसकी कुदरत मेरे ऊपर छाई रहे, और छाई रहती है, और छाई रहती है। यह खुदा का प्रॉमिस है, यह खुदा का प्यार है, और यह हर एक के लिए है। आप भी इसको एंजॉय करें। हालात खुदा खुद ही बदल देगा जब हम बदल जाएंगे। लास्टली आपको बताऊं, कोई हवाला नहीं पढ़ने लगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप खुदा के बंदे हैं, खुदा की बंदियां हैं, और आप खुदा का बंदा या बंदी बनने वाले हैं और तैयार हैं, हर रोज मिनिमम मिनिमम मेरी तरफ से, खुदा की तरफ से घंटों घंटे 15 मिनट सिर्फ अपनी कमजोरियां खुदा के आगे रखें और खुदा का फजल मांगें। डोंट प्रे फॉर योर चिल्ड्रन, डोंट प्रे फॉर योर स्पाउसेस, नो, डोंट प्रे फॉर वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट शख्स जो खुदा का काम करने के लिए दुनिया में है, वो आप खुद हैं और मैं खुद हूं। इससे ज्यादा कोई सूटेबल शख्स नहीं है खुदा का जलाल दिखाने के लिए, जितने आप और मैं खुद हैं। क्योंकि हर मां बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है और वही उसका बेस्ट है, और मैं और आप खुदा के बच्चे हैं, और हमारे लिए खुदा का वही विजन है जो दुनिया में किसी बड़े शख्स के लिए है। आप ही सबसे बड़े हो, आप ही सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा कोई भी नहीं, क्योंकि आप खुदा को बाप कह के पुकारते हो और वो आपका अपना बेटा कहता है। कौन सा बाप है वो अपने बेटे को कमजोर देखना चाहता है, अपनी बेटी को कमजोर देखना चाहता है? इन्वाइट योर फादर,
द मोमेंट प्रोडिगल सन, वो जो छोटा बेटा था, वो अपने बाप के घर में आया, नई पोशाक भी मिली, नई जूती भी मिली, नई अंगूठी भी मिली। जितना देर वो बर्बाद हुआ वो अपनी वजह से बर्बाद हुआ, लेकिन जब उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के घर में तो मजदूरों को भी अफराद से रोटी मिलती है, वो बाप के मकान पर आ गया। पता कब फजल नहीं मिलता? जब हम तौबा नहीं करते। क्यों? क्योंकि रहम फजल के साथ जुड़ा है। जब हमारे ऊपर फजल होता है इसका मतलब है खुदा ने हम पर रहम किया है। और खुदा रहम पता कब करता है? जब हम कहते हैं खुदा मेरे गुनाह मुझे मुआफ कर, जो मैंने गुजरे वक्त में किए मुझे मुआफ कर। तो रहम मेरे पास्ट को फिक्स कर देता है, मेरा माजी ढांप देता है रहम, क्योंकि रहम इंसाफ पर गालिब आता है। खुदा मेरे माजी का इंसाफ करेगा, मुझे मरना पड़ेगा? नहीं, खुदा मेरा इंसाफ नहीं कर, मुझ पर रहम कर ताकि मेरा माजी फिक्स हो। और जब मेरा माजी फिक्स हो जाएगा, खुदा मेरे आज को और आने वाले कल को डील करने के लिए मुझे फजल देगा, क्योंकि फजल मुझे आज और आने वाले कल के लिए चाहिए, रहम मुझे अपने गुजरे हुए कल के लिए चाहिए, और ये इंटरकनेक्टेड है। कितने लोग हैं जो अपने माजी को ओवरलुक करके आगे बढ़ना चाहते हैं और कहते हैं शायद किसी को पता नहीं। सबको नहीं पता, मगर जिसको पता होना चाहिए था उसको पता है। इसलिए टॉक टू हिम फर्स्ट अबाउट योर प्रीवियस थिंग, फिर अब वो आप पर रहम करेगा और आपको फजल देगा। हाँ, हमें कई दफा अपनी खताओं को मानते हुए शर्म आती है, लोगों से माफी मांगते हुए शर्म आती है। कोई बात नहीं, दूर हो जाएगी। जब आप फजल को एंजॉय करने लगेंगे, आपको अपने भाई से माफी मांगते शर्म नहीं आएगी। आप उससे कई बार माफी मांगोगे, 7 बार, बल्कि 490 दफा भी माफी मांगोगे, आपको माफी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको खुदा के फजल का चस्का पड़ गया है। अब आपको शौक हो गया है कि खुदा का फजल तो बड़ी दौलत है। और मेरे अजीजों, ये फजल आपको सिर्फ दुनिया में ही नहीं डील करेगा, ये आपको फर्स्ट नंबर भी देगा। पॉल की तरह कहते, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, अब मेरे लिए एक ताज रखा है। कैसे लड़ी थी कुश्ती तूने? खुदा के फजल से, खुदा के फजल से। हर काम खुदा के फजल से अच्छा हो सकता है, अगरचे हम उसके फजल पर भरोसा करें और एक नया इंसान बनने की तैयारी करें, उसकी मामूरी से मामूर होना चाहें। यह नहीं हो सकता कि फजल खुदा का हो, नाम मेरा हो। नहीं नहीं, मुझे और आपको कोई देख के ये कहे हम खुदा के लोग हैं, हम उसके बेटे बेटी हैं। आइए दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, चंद मिनट के लिए दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रबाबा का रबासी, ओ खुदावन तेरा शुक्र हो। मैं अपोलॉजी नहीं कर सकता आज आपसे वक्त के लिए, मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुदा का खादिम हूँ। और मैं ऑलरेडी जब मैं खुदा के कलाम को पेश करता हूँ, मैं कभी इसको प्रोलोंग नहीं करना मांगता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ अपनी बरकत की फिक्र करें। बरकत के लम्हे कई दफ़ा दोबारा नहीं मिलते, जल्दी ना करें, तौबा करें। अगर आप ईमानदार हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, खुदा ने मेरा और आपका भला किया है। मैं आपको सच बताऊं, हमारा भला किया है। जब आप कुछ ना कर पाएं, खुदा के हाथों में दे दें। मुझे पता, मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता, मैं हर रोज़ हारता हूँ, वो मेरी वजह से है। मुझे और खुदा का फजल चाहिए, मुझे और खुदा का फजल चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके फजल से मुझे निजात मिली है, उसके फजल से मुझे निजात मिली है। मुझे अमाल से निजात नहीं मिली, मुझे उसके फजल से निजात मिली है। जब मैंने तौबा की, उसने मुझे गुनाह मुआफ किए। सिर्फ मेरे गुनाह नहीं मुआफ किए, मुझ पर अपने रहम का हाथ बढ़ाया। सिर्फ मुझ पर रहम ही नहीं किया, मेरे मुस्तकबिल को अपने जलाल के लिए फजल की दौलत से भर दिया। हाँ, अब शरीयत के मातहत नहीं है, हम फजल के मातहत हैं, हम फजल वाले लोग हैं। ओ, हम तो फजल वाले लोग हैं, फिर क्यों गुनाह में जिए, फिर क्यों डिफीटेड जिए, फिर क्यों क्यों गिरे हुए जिए, फिर क्यों निकम्मी जिंदगी जिए, फिर क्यों गुनाह के नीचे दबी हुई जिंदगी जिए? क्योंकि जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता। यूहन्ना कहते हैं वो गुनाह कर ही नहीं सकता,
आई हम खुदा के फजल के तख्त के आगे आते हैं, खुदा के रहम को मांगते हैं, उसके प्यार को मांगते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए मैं चाहता हूँ हम कुछ देर दुआ करें। हालेलुया, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। और ये हर एक शख्स के लिए है, ये सिर्फ पॉल के लिए नहीं, आपके लिए और मेरे लिए भी है। मुझे आज उसके फजल की बड़ी ज़रूरत है। आने वाले 3 वीक्स के लिए स्पेशली मुझे खुदा का फजल चाहिए, और आने वाली जिंदगी के लिए मुझे ऑल द वे फजल चाहिए। मैं एक भी दिन खुदा के फजल के बगैर जी नहीं सकता, मैं एक भी लम्हा उसके फजल के बगैर नहीं जी सकता। और अगर आप उसका फजल लेना चाहते हैं, उसके चरणों में आए और उसके कदमों में बैठे और अपने आप को वक्त दें। डॉक्टर कहते हैं अपने आप को, मेरी बहन मेरे भाई वक्त दीजिए, आप अपने आप को वक्त दीजिए 1 घंटा। मैंने आपको कहा आप अपने आप को वक्त दीजिए 15 मिनट। Think about your own self and think about God. Think about God. खुदा के जोर को सोचें और अपनी कमजोरी को सोचें। खुदा अपना जोर आपकी कमजोरियों से शेयर करना चाहता है, वो आपके जोर के साथ अपना जोर टकराना नहीं चाहता। उसको पता है हमारा जोर कुछ भी नहीं है, उसने 4000 साल से देखा है, उसको पता था, उसने देखा था ये कितना कमजोर है। हो याद रखिए, नूह पर भी खुदा का फजल ही हुआ था। हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो फजल का दौर नहीं था, वो तो शरीयत, वो तो कॉन्शियस था। हो प्रेज द लॉर्ड, मैंने कुछ प्यारो मैं कहता हूँ आज फजल ही की बात कीजिए। और कहें खुदावन मैं तेरे बगैर हार गया हूं, अपना दर्द उसे बताएं, वो दूर करेगा। और अगर आज उसने दूर ना किया, मैं फेथ करता हूं वो आपको फजल जरूर दे देगा इसमें से गुजरने का, और आप कह सकेंगे मैं खुश हूं। ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रामा बकला बशरमान तलारा मुझे तेरा फजल चाहिए और चाहिए, ताकि मैं तेरे लोगों की दिल से खिदमत करूं, अपने दिल से नहीं तेरे दिल से, तेरे मुताबिक तेरी खुशी पूरी कर सकूं, तेरी खुशी तुझे खुश कर सकूं। कुछ नहीं, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं, तेरे ऊपर भरोसा है बाप। तू मेरी हार को जानता है, तू मेरी कमजोरियों को जानता है। हालेलुया, मैंने कुछ दुआ करते जाएंगे कुछ देर के लिए। जी बेटा आप गाते रहे, हालेलुया रब बाबा कला मशीनी दाला ला दुरुस्तो और इमान दाला ला दुरुस्तलेन तला ला दुरुस्तो ओली बाबा कला मंतला ला दुरुस्तो ओ चला। आपको नहीं मिल सकता ना मुझे, जलाल जलाल वाले ही को मिलेगा, जिसका जोर मेरी कमजोरियों में पूरा होता है। अगर आपने कभी मेरे यीशु के फजल को ट्राई नहीं किया, प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट, जस्ट आस्क हिम। उसका फजल आपको इत्मीनान देगा, उसका फजल आपको फ्रस्ट्रेशन से निकालेगा, उसका फजल आपको गुस्से से निकालेगा, अब्यूजिव लैंग्वेज से निकालेगा, बीमारी से निकालेगा, आपको डिप्रेशन से निकालेगा, नींद की गोलियों से छुड़ा लेगा। उसने मुझे नींद की गोलियों से छुड़ा लिया। ओला बखर रबेशलमंतरा, मैं नींद की गोलियों के खिलाफ नहीं, लेकिन आपको खुदा छुड़ा सकता है। ओला बाबा कला मंतला लला दुरुस्तो हिली मंत्रा सो। अगर आपको खुदा का फजल मिलेगा, आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं रह सकते, आप एंजाइटी में नहीं रह सकते। इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन द नेम ऑफ जीसस। बाबा बाबा कला बाशी हिली मंत्रा दादा रसा ना बाबा रसा ना बाबा रसा। हर एक डिजीज खुदा यीशु नाम में जो डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेटेड है, आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इट। इन जिस्मों को छोड़, खुदावन तेरा इत्मीनान खुशी के साथ
इत्मीनान के साथ आए, तेरा फजल, तेरा फजल इत्मीनान और खुशी में ढले, तेरा फजल इत्मीनान और खुशी में ढले, सदा की खुशी, 24/7 की खुशी, यस लॉर्ड, हालेलुया, खुदावन में खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, किसी बात की फिक्र ना करो, खुदावन करीब है, हालेलुया, बल्कि हर बात में तुम्हारी दुआएं और इल्तिजाएं शुक्रगुजारी के साथ खुदावन के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, ओ फिर नॉलेज से बड़ा है फजल, खुदा की मोहब्बत भी हमारे नॉलेज से बड़ी है, खुदा का फजल भी हमारे नॉलेज से बड़ा है। आप जितना फजल के बारे में जान गए, इससे भी बड़ा है फजल, ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा खुदा है, क्योंकि ये खुदा का फजल है, खुदा का फजल ये मसीह का फजल है, ये रूह का फजल है। हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज कर, अव्वल आने के लिए, जीत जाने के लिए मेरे लोगों को महफूज कर ले, नौजवान बेटे बेटियों को इत्मीनान के लिए कभी गंदगी से एंटरटेन ना होना पड़े, इन्हें दिल के सुकून के लिए ना पाकी से खुशी ना लेनी पड़े, तेरा फजल मेरे लिए काफी है खुदा, हालेलुया, ओ
उस फसल को खुदावंद पहन लेने का खुदावंद। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया, हम तेरी ग्रेस से ही सेव्ड हैं खुदावंद, हालेलुया जीसस। ओ ये ग्रेस हमारी स्ट्रेंथ है खुदावंद, हालेलुया, जो हर जनरेशन तक एंड्योर करती है, हालेलुया जीसस। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तो मैं दुआ करता हूँ कि ये बीज बहुत सारी जमीनों की जरूरत बन जाए। ओ हालेलुया, ओ खुदावंद, हमारी ईगो, हमारी प्राइड चाहती रहे और हम तेरी तेरे फसल पे डिपेंड करना सीखें खुदावंद। ओ अपने आप से तवक्कल हटा के, अपनी रूहानी से तवक्कल हटा के, तेरी तेरी ग्रेस के ऊपर अपनी खुदावंद फसल को, अपने तवक्कल को रखे मेरे यीशु। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। और मैं जितने भी लाइव वॉच कर रहे हैं, जो रिकॉर्डेड को सुनेंगे खुदावंद, मैं सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद, हालेलुया। जो भी नीड है की जिंदगी में खुदावंद, तू पूरी कर, और वो तेरी ग्रेस के अंदर ये पावर है कि खुदावंद वो हर नीड को सफिशिएंटली पूरे करती है, हालेलुया जीसस। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, आमीन। मैं सब का शुक्र गुजार हूँ जो शेयर करते हैं, जो वॉच करते हैं रिकॉर्डेड या लाइव। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आज शाम 6 बजे हम फिर जमा होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद की स्ट्रेंथ और उसकी ग्रेस हमारे पे जारी रहे, ताकि हम खुदावंद का काम इसको बढ़ाते जाएं, उसको दुनिया के कोने कोने तक लेके जाएं, जैसे उसका हुक्म है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।